चलिए, तो यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। ये मैक्सब का है, आप देख सकते हैं मैक्सब लगाए हैं, और ये होता है ओरिजिनल प्रिंटेड, ठीक है ना, प्रिंटेड मैक्सब है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसका जो पेन आता है, कुछ इस टाइप का मैक्सब के साथ का पेन है ये। ये नोट 3 चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, नोट 3 हमने ओपन किया है। एक बार मैं इसको एक मेनू करके एंड्रॉयड मोड कर लेता हूँ। एंड्रॉयड किया तो एंड्रॉयड पे जो है, एंड्रॉयड का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। वापस इसको एक बार मैं विंडोज़ कर लूँगा, यहाँ क्लिक किया और विंडोज़ पे आ गया, यह विंडोज़ ओपन हो गया। अब मैं इसको एक बार मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक ना, ये हो गया कंप्लीट विंडोज़। लाइटिंग जो है यहाँ पे हाइट देख सकते हैं कितना है, और ये मोबाइल का कैमरा है, थोड़ा सा ना मोबाइल पे फ्लिकर करेगा लाइट। यहाँ पे ये 5 लाइटिंग हुई है, और उसके बाद में ये सिस्टम लगा है सामने। ये कंप्यूटर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ से किए हैं यहाँ पे। ये रहा कैमरा, कैनन का 1/60, इस साइड से दिखेगा, इसको हम फ्लिप करेंगे तो 1/60 कैमरा कुछ इस टाइप से माउंट पे लगाए हुए हैं, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ से हाइट ज़्यादा था, ये देख रहे हैं कि ये USB से कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे ये USB-C टाइप है, HDMI वाला दिख रहा है कि HDMI वाला, यहाँ पे ये खाली है USB-C टाइप से ऐसे कनेक्ट करते हुए इधर गया है। यहाँ से आकर के डायरेक्ट USB इसमें लगा है, ठीक है ना। अब लाइटिंग की बात करें, जब कैमरे की क्वालिटी, तो यहाँ पे कैमरे में आपको दिखा दो इस साइड से, देख सकते हैं किस टाइप का दिख रहा है। बाद बाकी यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो एक बार अब एंड करते हैं।